ఆర్థిక వృద్ధికి చేపట్టిన చర్యలకు సంబంధించి వివరాలను అనురాగ్ ఠాకూర్ మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. पर नहीं पहुंच पाई थी अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे उनको मद्देनजर उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा. लेकिन ये आठ महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा. इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी. जो आकांक्षी जिले हैं हमारे उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो. तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी. जबकि आठ महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा. मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी. इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.9.5%, जो मार्केट से बहुत कम भी है. और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी. जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा उनके लिए 60,000 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी. इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी. और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा. ₹1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors. And the third one also brought in hospitality and others, and as a result of which 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. Pichli baar bhi emergency credit line guarantee scheme jisme kul milakar 3 lakh crore rupaye ka pravdhan kiya gaya tha. ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को कारोबारियों को दिया गया. और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था. और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं NBFCs हैं उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया. अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है जो स्वीकृत है उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके. जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है उस पर इसको प्रत्येक रन पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा. और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर. जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स या बाकी सब उसमें आते हैं उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है. 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं उसको आगे भी इसको ऐसे जारी रखा जाएगा. ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी जो स्वीकार्य गारंटी की है वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है. 3 लाख करोड़ में
यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। द नेक्स्ट वन इज अ टोटली न्यू स्कीम। दिस इज अ क्रेडिट गारंटी स्कीम टू फैसिलिटेट लोन्स थ्रू द MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वी एम टू रीच आउट टू 25 लाख पर्संस हु आर absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now this entire scheme will be till 31st March 2020, or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted, either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will obviously will be a joint lending group kind of a framework, wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. Credit guarantee scheme, ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें credit guarantee scheme के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है, और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR +2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा, तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी, मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी, और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा, जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोअर्स के लिए जो गाइडलाइन है GLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे। अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी,
और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है, या 7,500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब, या 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the fourth of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and